है आपका इवन न्यूज टीवी में, मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार की ओर से बोलते हुए बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ स्कैम्स की राजनीति की है, सिर्फ परिवार की राजनीति की है, मगर मोदी सरकार ने स्कीम की राजनीति की है। उन्होंने कई मुद्दों पर कांग्रेस पर बारी बारी से हमला किया। अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए एक ट्वीट किया। गिरिराज सिंह ने ट्वीट में लिखा कि भूकंप के मजे लेने के लिए तैयार हो जाइए। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह के ट्वीट को राहुल गांधी के उस बयान से जोड़कर देखा गया जिसमें राहुल ने कहा था कि अगर उन्हें संसद में 15 मिनट तक बोलने का मौका दिया जाए तो भूकंप आ जाएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान टीडीपी के सांसद ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद निर्मला सीतारमण ने फौरन आपत्ति जताते हुए उस शब्द को रिकॉर्ड से हटाने और सांसद से माफी मांगने की मांग की। सीतारमण की आपत्ति जताने के बाद सदन में अन्य भाजपा सांसद भी हंगामा करने लगे। इस दौरान कुछ देर के लिए शोर शराबे से बहस प्रभावित हुई। बीजेपी को झटका देते हुए शिवसेना ने बड़े ही नाटकीय ढंग से अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नहीं रहने का ऐलान किया। आपको बता दें कि शिवसेना की तरफ से कभी हां और कभी ना के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के शुरू होने से ठीक चंद मिनटों पहले ही ऐलान किया गया कि उनके सांसद अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इसमें शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि एनडीए में बीजेपी के बाद शिवसेना सबसे बड़ा दल है। राफेल डील का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि पीएम फ्रांस गए थे, पता नहीं वहां क्या हुआ कि रक्षा सौदे की कीमत एकाएक बढ़कर 1600 करोड़ रुपए हो गई। रक्षा मंत्री ने आंकड़े बताने का वादा किया था लेकिन बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया। मैंने इस बारे में फ्रांस के राष्ट्रपति से भी बात की। इस मामले में रक्षा मंत्री ने पीएम के दबाव में देश से झूठ बोला। मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने की मांग को लेकर छात्र संघ का प्रदर्शन लगातार जारी है। राज्य में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित दिखाई दे रहा है। शिक्षण संस्थान, दुकानें, बाजार और सरकारी कार्यालय को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मणिपुर में इंटरनेट सेवा 5 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मजबूती से डटे रहने का संकेत देते हुए कहा कि उनकी पार्टी संसद में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मतदान करेगी, हम सरकार के साथ हैं। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर देश भर की 90 लाख ट्रक और 50 लाख बस के पहिए आज थम गए। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ गुड्स कॉर्पोरेट एसोसिएशन और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर यूपी के भी 50,000 ट्रांसपोर्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और टोल मुक्त बैरियर सहित अन्य मांगों को लेकर ट्रांसपोर्टर ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर वर्ष 5 नवोदित कवियों को गोपाल दास नीरज सम्मान देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि लोकप्रिय कवि गोपाल दास नीरज का गुरुवार को निधन हो गया था, जिसके बाद से उनकी याद और सम्मान में यूपी सरकार इस पुरस्कार को शुरू करेगी। सीबीआई ने एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ती चिदम्बरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में सीबीआई ने चिदम्बरम समेत 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अब पटियाला हाउस कोर्ट इस मामले की सुनवाई 31 जुलाई को करेगा। भारत और जापान ने दिल्ली में समुद्री मामलों के चौथे चरण की चर्चा की, जिसके दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र और समुद्री सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात की गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रकाश शर्मा ने किया, जबकि जापान की ओर से राजदूत कांसुके नागाओका ने नेतृत्व किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री के बंगलों को योगी सरकार ने खाली करवा लिया है। अब उन बंगलों को यूपी सरकार के बड़े अधिकारियों को देने की तैयारी चल रही है। राज्य संपत्ति विभाग ने सीएम कार्यालय को पत्र लिखकर खाली बंगलों को वरिष्ठ अधिकारियों को आवंटित करने की अनुमति मांगी है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने हाल ही में फेक न्यूज से बचने के लिए कुछ फीचर्स बताए थे। फुल पेज विज्ञापन देकर भी लोगों को गलत जानकारियों से बचने के लिए तरीके बताए गए हैं। अब व्हाट्सएप एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है, जिसके तहत फॉरवर्ड किए गए मैसेज को लिमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। अनिल कपूर और राजकुमार राव की फिल्म फन्ने खा 3 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। फिल्म के जो गाने अब तक रिलीज हुए हैं उन्हें जनता की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। खबर है कि अगला गाना अपने आप में काफी खास होगा। ये गाना शम्मी कपूर की फिल्म प्रिंस के गाने बदन पे सितारे लपेटे हुए को रिक्रिएट वर्जन में होगा। गाने के वीडियो में अनिल कपूर भी नजर आएंगे।
बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने पिछले दिनों रिलीज हुई वेब सीरीज लस्ट स्टोरीज को लेकर काफी लाइमलाइट में रही हैं। इस वेब सीरीज में कियारा ने जबरदस्त बोल्डनेस दिखाई है। इसी वेब सीरीज के जरिए कियारा ने अपनी एक्टिंग से भी सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस वेब सीरीज में उन पर फिल्माया गया मास्टरबेशन का सीन काफी विवादों में रहा है। ऐसे में हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कियारा ने अपने करियर से लेकर उस सीन के बारे में खुलकर बातें की। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वन न्यूज टीवी। महानगर मेल साहस, सच और स्वाभिमान अब लेकर आ रहा है स्वास्थ्य और स्वच्छता का नया उपहार, महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड यानी हेल्दी इंडिया क्लीन इंडिया 2018, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत 2018, दोपहर 2 बजे से 27 जुलाई 2018, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लोधी रोड न्यू दिल्ली। होस्टेड बाय राखी बख्शी, ऑर्गेनाइज्ड बाय महानगर मेल टीम।